हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है वीरेन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवलर वीरेन पे। जैसे कि आपने हमारे बहुत से वीडियो में देखा रहेगा कि मार्केट यार्ड के ऊपर हमने बहुत वीडियो बनाए और यहाँ पे फ्रूट मार्केट कवर किया, बट यहाँ पे सिर्फ फ्रूट मार्केट नहीं, यहाँ पे उससे भी बड़ा सब्ज़ी का मार्केट है जो कि बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे मैं आया, यूजुअली मैं ज़्यादा सब्ज़ी मंडी और ऐसा कुछ जाता नहीं, तो मेरे को इतना रेट्स के बारे में पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे होलसेल रेट में जो सब्ज़ियाँ सेल आउट होती है, तो उसके बारे में मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे पोस्ट के बारे में आपको पता चलते रहे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जो कि यहाँ पे मार्केट यार्ड में जो सब्ज़ी मंडी है, और यहाँ पे दो मूवीज़ का शूटिंग भी हुआ है जो कि मराठी में जो सुपर हिट मूवी थी मुर्शी पैटर्न और जो हिंदी मूवी थी जो सलमान खान की थी अंतिम बकवासी मूवी, उसका भी यहाँ पे शूटिंग हुआ है। तो ये बहुत ही फेमस है और बहुत बड़ा है। यहाँ पर मैं अभी सब्ज़ियों के रेट पूछने वाला हूँ और आपको वीडियो देने वाला हूँ कि क्या क्या रेट मार्केट में अभी चालू है सब्ज़ियों के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप ड्रम स्टिक देख सकते हैं। यहाँ पे रेट के बारे में पूछते हैं इसके, भैया थोड़ा रेट के बारे में बताना। 50 रुपये केजी। अच्छा, तो यहाँ पे जो एक गड्डी दिख रही है ये कितने किलो की है? 5 किलो। 5 किलो की है। तो आपके पास और क्या क्या है? ये यहाँ पे दोड़का दिख रहा है, तुरई बोलते हैं इसको, इसके रेट के बारे में बताना। वो 40 रुपये किलो। तो ये जो पूरा बैग है, पूरा बैग लेना पड़ेगा? 400 रुपये का। अच्छा, 400 रुपये का बैग है। इसमें कितना किलो आता है? 10 किलो। 10 किलो। और यहाँ पे बैंगन है बड़े वाला जो कि भरते भरते में यूज़ होता है, तो इसके बारे में बताना ये बैग कैसा दिया? ये 300 रुपये का बैग है, 15 किलो का बैग रहता है। अच्छा, तो आप किलो में बेचते हैं क्या? किलो में नहीं, वो बैग में जाता है। अच्छा, बैग में जाते हैं। तो यहाँ पे पीछे आपके पास और ककड़ी भी दिख रही है, तो ककड़ी के बारे में बताना। तो अभी थोड़ा गर्मियों का टाइम है तो ककड़ियों के रेट थोड़े हाई हो सकते हैं, तो ककड़ियों के बारे में बताना भैया थोड़ा। ककड़ी है 10 रुपये किलो है। 10 रुपये किलो है। और ये बैग कितने किलो का है? बैग उसका वजन नहीं रहता। अच्छा, वजन नहीं रहता, 15-16-20 किलो। अच्छा, तो ककड़ी के रेट अभी मार्केट में नॉर्मल चालू है, महंगे है थोड़े? अभी नॉर्मल नॉर्मल है। तो फ्यूचर में कम होने वाले? फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, बारिश में बढ़ेंगे। अच्छा, करेले के बारे में बताइए। करेला 25 रुपये किलो। 25 रुपये किलो। और ये बैग का क्या है? 20 किलो का बैग है। 20 किलो का बैग है। और यहाँ पे लौकी भी दिख रहा है, लौकी के बारे में बताइए। लौकी 16-18-14 रुपये। अच्छा, क्वालिटी वाइज है और साइज वाइज है क्या? साइज वाइज। अच्छा, तो और आपके पास यहाँ पे क्या मिर्ची भी दिख रही है? यहाँ पे ये अलग थोड़ा मिर्ची दिख रहा है येलो कलर का, ये इसके रेट के बारे में बताइए। ये बदला होता है, बदला ये 200 रुपये बैग होता है, 200-300 रुपये का बैग होता है। अच्छा, यहाँ पे लहसुन भी आप ही का है, के रेट के बारे में क्या है? लहसुन का रेट बता दो जरा तेजी। लहसुन का रेट है 30 रुपये 20 रुपये। 30 रुपये 20 रुपये किलो। साइज वाइज और क्वालिटी वाइज है? तो ये पूरा बैग लेना पड़ेगा जो पोता दिख रहा है, या किलो वाइज भी देते हैं आप? किलो वाइज भी देते हैं। यहाँ पे टमाटर दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छा कलर है इसका, और क्वालिटी भी बहुत सही दिख रहा है, साइज भी बहुत सही है। सर, इसके रेट के बारे में बताइए थोड़ा। 55 रुपये। 50-55। तो अभी सर ये रेट मार्केट में बढ़ा है, तो इसका रीज़न क्या है? बीच में जो बाजार कम हो गया था, हाँ, तो हर खेती वाले ने माल सब फेंक दिया, जो पौधे वगैरह सब फेंक डाले, इसकी वजह से रेट बढ़ गए और बाहर ट्रांसफर हो रहा है इसकी वजह से। अच्छा, तो सर ये फ्यूचर में अभी कम होने वाला है 10-15 दिन में इसका रेट? नहीं नहीं, और बढ़ेगा। अच्छा, तो एक बारिश हो गई तो और 80 रुपये तक जाएगा। अच्छा, तो सर बोल रहे कि और रेट बढ़ेगा शायद से, बारिश होगा और अभी स्टार्ट, तो और रेट बढ़ेगा। तो आप देख पा रहे अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे टमाटर है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप टमाटर है और ये अच्छी क्वालिटी के और अच्छी साइज़ के टमाटर है। इसका रेट क्या है सर? 60 रुपये। 60 रुपये। अच्छा, 60 रुपये किलो। थोड़ा महंगा नहीं हो गया ये? नहीं नहीं, महंगा नहीं है। तो ये रीज़न क्या है इतना मार्केट में महंगा हो रहा है टमाटर? माल कमी है ना, इसलिए। अच्छा, तो मार्केट में माल की आवक कम है, इसके कारण ये थोड़ा महंगा होते। तो फ्यूचर में ये सस्ता होगा, बढ़ेगा और? मतलब नहीं नहीं, और बढ़ेगा। और अच्छा, और मतलब भैया बोल रहे हैं 100 रुपये तक जाएगा, तो अभी गरीब के लिए तो राहत नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है हर जगह पे। अच्छा, टमाटर खाने का नहीं गरीब ने। यहाँ पे आपके पास अदरक भी है, लहसुन भी है, तो इसका रेट के बारे में बताइए सर। अदरक कैसे दिया? अदरक 20 रुपये
अच्छा अदरक 20 रुपए से है और ये लहसुन अच्छे क्वालिटी का है? अच्छा क्वालिटी का 60 है 50। अच्छा 60 और ये 50 और ये 60, वो थोड़ा बड़ा साइज का है। और यहाँ पे थोड़ा उन्होंने फोड़ा हुआ लहसुन भी रखते हैं तो वो भी है यहाँ पे। मशरूम है ये 30 रुपीस पैकेट है, गार्लिक 50 रुपीस केजी है, ये येलो कैप्सिकम है 120 रुपीस केजी, ये रेड भी सेम 120 रुपीस केजी है। ये सेम उसी को पैकिंग किया गया है 150 रुपीस केजी है। ये ब्रोकली आपको 320 रुपीस केजी है। चाइनीज कोबी 150। ये जुकनी है, इसको स्क्वाश भी बोलते हैं, ग्रीन जुकनी एंड येलो जुकनी 120 रुपीस केजी है। लेमन भी है मौसी, थोड़ा नींबू के प्राइस के बारे में बताना क्या रेट चालू है? अच्छा 10 का 10 और 10 का 5। आप केजी वाइज बेचते हैं या पीस वाइज ही बेचते हैं? अच्छा पीस वाइज ही बेचते हैं। ये मिर्ची जो है वो भी 40 और 50 रुपए किलो से चालू है। और यहाँ पे आलू भी है, यहाँ पे आपका है क्या भैया ये आलू? तो ये कैसे रेट दिया सर आपने? 24 रुपए चल रहे हैं। अच्छा 24 रुपए, तो ये अभी रेट चालू है मार्केट में, नॉर्मल है महंगा हो गया सस्ता हो गया? महंगा हो गया। अच्छा तो इसका रीज़न क्या है सर? अच्छा तो मार्केट में कम आ रहा है इसके कारण ये महंगा हो गया, तो ये फ्यूचर में सस्ता होगा बढ़ेगा सर? बढ़ेगा। अच्छा तो आप क्वांटिटी कैसे, मतलब केजी वाइज बेचते हैं या होलसेल लेना पड़ेगा? अच्छा अच्छा तो यहाँ पे आपके पास प्याज भी है सर, इसके रेट के बारे में बताना थोड़ा। प्याज 10 रुपए बेच रहे हैं। 10 रुपए बेच रहे हैं, तो ये फ्यूचर में बढ़ेगा सर रेट या महंगा होगा? मतलब अभी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अच्छा बारिश में बढ़ेगा और मतलब सस्ता नहीं होने वाला है, तो आप खरीद के रख सकते हैं। तो ये अगर किसी ने खरीदा पोता तो ये कितने दिन तक चलेगा? 4-5 महीने तक चलेगा। अच्छा तो चार आप खरीद के रख सकते हैं अगर जिसको क्वांटिटी में लेना है तो। पे कड़ी पत्ता भी देख पा रहे हैं और एकदम फ्रेश कड़ी पत्ता है, और रेट बताना भैया? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। और यहाँ पे गाजर भी है, गाजर का रेट बताइए? 20 रुपए किलो। वहाँ पे थोड़ा मिर्ची भी है, हरा मिर्ची है थोड़ा? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। आपके पास बैंगन भी है यहाँ पे, बैंगन का रेट बताइए? 25 रुपए किलो। अच्छा और नींबू भी है आपके पास पीछे, तो नींबू का क्या रेट? नींबू 500 रुपये। 500 रुपये किलो। तो ये मार्केट में ये रेट है। एक्चुअली मैं कभी सब्जी मंडी जाता नहीं हूँ, तो मुझे इसके रेट के बारे में इतना आइडिया नहीं है, तो आप अगर जाते हो तो आप मुझे बताना कि अभी मार्केट में रेट क्या चालू है, जो कि मंडी में क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे होलसेल करते हैं वहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि यहाँ पे थोड़ा सस्ता रहेगा। तो देखते हैं और क्या क्या है मार्केट में। यहाँ पे पत्ता गोभी भी है और फ्लावर भी है, इसके रेट के बारे में पूछते सर, इसके रेट के बारे में बताना सेठ। सर इसका 12 रुपया बाजार है। अच्छा तो ये होलसेल में बेचते हैं आप, किलो वाइज भी बेचते हैं? होलसेल में बेचते हैं। अच्छा तो यहाँ पे फ्लावर भी है, इसका रेट के बारे में बताइए? उसका रेट 15 रुपया बाजार है। और जो पीछे ड्रम स्टिक है उसके बारे में? वो होलसेल। अच्छा होलसेल में ही है। सर आपका नाम बताना? मैं प्रहलाद अनिल भाई राम कंपनी। अच्छा तो यहाँ पे जो शिमला दिख रहा है छोटी साइज का है, इसका रेट क्या है सर? 16 से 18 रुपए केजी। 16। और यहाँ पे बड़ी शिमला है, बड़ी है 45 रुपीज़ 45 रुपए किलो। अच्छा यहाँ पे बैंगन भी है 25 रुपए किलो। और यहाँ पे गवार है, उसका क्या है? गवार वो जाड़ वाला है 20 रुपए किलो। अच्छा और पीछे जो शिमला दिख रहा है बड़ा बड़ा बैग में, वो बैग खरीदना पड़ता है क्या पूरा? यार 10 किलो का बैग है, पूरा लेना पड़ता है। आप केजी में नहीं बेचते? केजी में छुट्टा बेचते हैं। छुट्टा बेचते हैं। यहाँ पे ककड़ी भी रखी है आपने बहुत सारी, तो ककड़ी का रेट क्या है? 14 रुपए किलो। 14 रुपए। और ये यहाँ पे लौकी है, उसका रेट क्या है? 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो। ओके सर थैंक यू। यहाँ पे मिर्ची भी दिख रही है और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे नारियल है, और इसके रेट के बारे में पूछते भैया, ये मिर्ची का रेट बताइए थोड़ा? 20 रुपए किलो है। तो आप केजी वाइज बेचते हैं या होलसेल में खरीदना पड़ेगा? होलसेल में खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नारियल है, इसके रेट के बारे में बताइए? नारियल 15 से लेके 25 तक है। तो आप ये डजन वाइज बेचते हैं, कैसे बेचते हैं? नग पे बेचते। अच्छा नग पे बेचते हैं क्या? कितना बोला आपने रेट? 15 से लेके 25 तक। अच्छा क्वालिटी वाइज और साइज के ऊपर है। अच्छा चलेगा सर थैंक यू। यहाँ पे गाजर देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के छोटे छोटे गाजर है, और यहाँ पे बहुत सारे बैग्स पड़ी है, तो रेट के बारे में पूछते भैया, इसके रेट के बारे में बताना। 24 से 25 रुपए केजी है 1 केजी। अच्छा तो आप सिर्फ किलो में बेचते हैं या सिर्फ पूरा बैग ही खरीदना पड़ता है? बैग ही खरीदना पड़ता है। अच्छा, पूरा बैग ही खरीदना पड़ता है। ओके तो ये रेट अभी नॉर्मल चालू है या थोड़े महंगे रेट? थोड़ा महंगा है। अच्छा ये ऐसा क्यों महंगा क्यों हुआ है? बाजार में माल कम है। अच्छा बाजार में माल कम है इसके कारण। यहाँ पे मटर भी है और अच्छी क्वालिटी के है, बड़ी साइज के मटर है, रेट के बारे में पूछते हैं भैया, इसका रेट बताना थोड़ा।
80 रुपए किलो है। अच्छा, तो आप किलो वाइज बेचते हैं या फिर होलसेल में ही बेचते हैं? होलसेल में। अच्छा, तो यहाँ पे भिंडी भी है और अच्छी क्वालिटी की है, पैकिंग में देख पा रहे हो आप। यहाँ पे भिंडी के रेट के बारे में बताएं। 25 रुपए किलो है। 25 रुपए, तो पूरा बक्सा खरीदना पड़ेगा या बक्सा? बक्सा। अच्छा, बक्सा ही। तो बक्से में कितना किलो बैठता है? 5 किलो। 5 किलो बैठता है। ओके सर, थैंक यू। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की वैरायटी है। तो भैया से रेट के बारे में पूछते हैं। भैया ये क्या है? ये करटुला है। करटुला, ये कैसे दिया सर? 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो। और यहाँ पे ये क्या है? सांभर काकड़ी। तो इसका रेट क्या है? 40 रुपए। वहाँ पे क्या है सर? छोटा प्याज, कांता प्याज। अच्छा, यहाँ पे वो केला पत्ता। रेट बताइए सर उसका। 40 रुपए। और वहाँ पे वो 20 रुपए किलो। ये स्वीट पोटैटो है यहाँ पे इसका रेट क्या? 50 रुपए। 50 रुपए। यहाँ पे पपाया भी है कच्चा थोड़ा सा। 20 रुपए। 20 रुपए। वो पीछे क्या है सर? आरवी। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है क्या आपको? हिंदी में क्या बोलते हैं पता है क्या? अच्छा, तो आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं जरूर बताइए मुझे। ये इसका रेट क्या है? इसका रेट है 40 रुपए। अच्छा, पीछे पड़वल दिख रहा है उसका क्या है? 60 रुपए बाजार है। अच्छा, तो यहाँ पे बीट भी दिख रहा है सर आपके पास। बीट का रेट क्या चालू है? 25 रुपए। और आंवला भी है, अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है, साइज भी बहुत सही है। इसका रेट क्या है सर? 70 रुपए। 70 रुपए। तो सर आप सिर्फ होलसेल में बेचते हैं या कोई किलो वाइज लेना चाहता है वो भी बेचते हैं आप? ऐसा कोई गिराज वैसा बेचते हैं। अच्छा, तो और यहाँ पे क्या है सर पीछे? ये सुरंग, इसका क्या रेट चालू है? उसका भी 35 रुपए। 35 रुपए किलो। तो एक किलो में कितना क्वांटिटी आता है उसका? एक ही नग आता है, एक ही पीस आता है। ओके सर, थैंक यू सर। यहाँ पे कोथंबीर दिख रहा है और इसका क्वालिटी बहुत सही है और अच्छी साइज का भी है। सर इसका रेट के बारे में बताइए ना कुछ। 18-20 रुपए। अच्छा, ये गड्डी का है। तो आप सिर्फ होलसेल में बेचते हैं या सिर्फ अकेला गड्डी जिसको चाहिए वो भी ले सकता है? वो भी रहता है, होलसेल भी। अच्छा, होलसेल और गड्डी वाइज अगर किसी को लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे कांदा पत्ता है और बहुत ही सही है, ये मीडियम साइज का कांदा पत्ता है। सर इसके रेट के बारे में बताइए ना। 30 रुपए। 30 रुपए गड्डी। ये तो ये आप गड्डी वाइज बेचते हैं केजी वाइज बेचते हैं सर? 50-100 लगेगा, वो भी ऐसे बेचते हैं। अच्छा, तो रेट भी ठीक ठाक है। तो ये रेट अभी मार्केट में नॉर्मल चालू है तो सर थोड़ा महंगा हो गया? थोड़ा महंगा हो गया। सर इसका रीज़न क्या है अभी सब महंगा होते जा रहा है? कांदा पत्ता कम है ना, खेती में से कम आता है। अच्छा, तो मार्केट में माल कम आ रहा है इसके कारण ये थोड़ा महंगा होते जा रहा है। यहाँ पे पत्ता गोभी भी है, इसके रेट के बारे में पूछते हैं। सर इसके रेट के बारे में बताइए थोड़ा। 10 रुपए किलो है। 10 रुपए किलो है। तो आप सिर्फ किलो वाइज बेचते हैं या पूरा बैग ही खरीदना पड़ेगा? बैग। अच्छा, तो पूरा बैग ही खरीदना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सिर्फ होलसेल रेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मूंगफलियाँ भी है, कच्ची मूंगफलियाँ है, तो इसको आप पका के खा सकते हैं। तो इसका रेट अभी क्या चालू है पूछते हैं। सर इसका रेट क्या चालू है अभी मार्केट? 50 रुपए। 50। अच्छा, 50 रुपए किलो है। तो आप सिर्फ किलो के हिसाब से बेचते हैं या होलसेल भी करते हैं? होलसेल और किलो हिसाब। अच्छा, दोनों है। अच्छा, तो जिसको कम क्वांटिटी में चाहिए वो भी खरीद सकता है। यहाँ पे पुदीना दिख रहा है, बहुत ही फ्रेश है, मैं अभी थोड़ा मॉर्निंग के टाइम पे आया हूँ। तो सर को रेट के बारे में पूछते हैं। सर पुदीना का रेट क्या चालू है? 8 रुपए। पुदीना का रेट 8 रुपए चालू है। और इनके पास ये अंबर सुखा बोलते हैं आपके यहाँ पे, क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताना। इसका रेट क्या चालू है? 10 रुपये। मतलब 10 रुपये से चालू है। और सर के पास क्या है? सर वहाँ पे कुछ तो दिख रहा है सर, उसको क्या बोलते हैं? सैलरी। तो इसका रेट क्या है? 30-25 रुपए। और टमाटर भी आपके पास, टमाटर का रेट क्या चालू है? 20। अच्छा, 20 रुपए किलो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितनी सारी क्वांटिटी है कद्दू की। तो रेट के बारे में पूछते हैं सर, इसका रेट क्या है? अभी 10 रुपए बिक रहा नहीं है, 5 रुपए 6 रुपए गिराएगी नहीं है। अच्छा, गिराएगी नहीं, इसलिए सब अच्छा के जी वाइज है। अच्छा, तो यहाँ पे बैग में भर के रखा है सर, ये बैग में कितना किलो है क्वांटिटी? नहीं, वजन नहीं किया ऐसे। अच्छा, क्वांटिटी वाइज है, वेट नहीं किया है क्या? हाँ। तो बैग कितने का है ये? ये इसमें 60-65 किलोमीटर। अच्छा, 60-65 किलोमीटर। तो बैग कितने में बेचते हैं आप? ये आप भी वजन पे जो। अच्छा, वेट पे ही बेचते हैं क्या? ज़्यादा नहीं है तो कम करके बेचते हैं। अच्छा, चलेगा सर, थैंक यू। सर आपका नाम तो बताइए। शंकरमन दास मानसरे। अच्छा, तो यहाँ पे आप तोंडली बेच रहे हैं सर, तोंडली का रेट क्या है? 40 रुपए केजी। 40 रुपीज़ केजी है। तो ये केजी वाइज बेचते हैं या पूरा बैग खरीदना पड़ेगा? बैग खरीदना पड़ता है। अच्छा, बैग खरीदना पड़ता है। आपके पास और क्या क्या है सर? दोड़का है। अच्छा, तो यहाँ पे दोड़का भी है, रेट के बारे में बताएं। दोड़का तो 1 केजी 50 रुपए केजी बेचते हैं। 50 रुपए केजी। यहाँ पे अदरक भी है आपके पास? अदरक का रेट क्या है? 20 रुपए केजी। और यहाँ पे छिला हुआ लहसुन भी है तो इसका रेट? 1 केजी का 50 रुपए केजी। नॉर्मल लहसुन का?
40 रुपये 50 रुपये। और वहाँ पे टुकड़े टुकड़े भी है लहसुन के, तो वो कैसे है सर? वो भी 50 रुपये। 50 रुपये ही है। अच्छा, तो ये सिर्फ लहसुन आप एक के जी के क्वांटिटी में बेचते हैं, बाकी आपको सब बैग में खरीदना पड़ेगा? हाँ, बैग में। अच्छा, मतलब होलसेल में लेना पड़ेगा आपको। तो ये जो रेट है, अब जैसे कि ये मार्केट यार बहुत बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पे जो रेट है और जो हम सब्जी मंडी में खरीदते हैं, तो उसके रेट में कितना डिफरेंस आता है? जैसे आप मतलब इसका रेट बताए क्या चालू है अभी? में इसका 60 रुपये बेचते हैं। अच्छा, 60 रुपये, और आप कितना? 50 रुपये, मतलब 10 रुपये का मार्जिन रखते हैं के जी वाइज। ओके सर, थैंक यू। भैया आलू का रेट क्या चालू है अभी मार्केट में? 24। अच्छा, 24 रुपीज़ से किलो चालू है। तो आप के जी वाइज बेचते हैं या होलसेल में लेना पड़ेगा? अच्छा, तो होलसेल में लेना पड़ेगा। यहाँ पे प्याज भी है, तो प्याज का रेट क्या चालू है सर? 12 रुपये किलो। अच्छा, 12 रुपये किलो है। तो अभी ये रेट जो है नॉर्मल चालू है, महंगा हो गया है? 2 रुपये बढ़ गया। अच्छा, 2 रुपये बढ़ गया। तो ये फ्यूचर में बढ़ने वाला है बारिश के कारण या सस्ता होगा? अच्छा, कोई आइडिया नहीं है, बता नहीं सकते। वैसे कांदे का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। भैया मिर्ची का रेट क्या चालू है अभी? 50 रुपये। तो ये थोड़ा हरा कलर का दिख रहा है डार्क, तो ये ज़्यादा स्पाइसी रहता है क्या? अच्छा, तो आपके पास भिंडी भी रखा है सर, भिंडी कैसे दी आपने? भिंडी 40। अच्छा, भिंडी 40। भिंडी 40 रुपये किलो। और यहाँ पे ककड़ी भी रखा है, ककड़ी कैसे दिया? 20 रुपये किलो। अच्छा, 20। और ये बीट का क्या दिया सर? बीट भी 20 रुपये किलो। अच्छा, तो पीछे कद्दू भी दिख रहा है, कद्दू का क्या है? 30 रुपये किलो। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ पे गाजर भी दिख रहा है अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे। तो गाजर का रेट क्या है सर अभी? अच्छा, 30 रुपये किलो से। और ये छोटी साइज का गाजर है, कलर भी देख पा रहे हैं, क्वालिटी बहुत सही है छोटे साइज का। तो यहाँ पे पुदीना अच्छा क्वालिटी का है। यहाँ पे रेट्स के बारे में पूछते हैं सर, पुदीना कैसे दिया? 10 रुपीज़ के जी। और ये सैलरी बोलते हैं इसको, ये कैसे दिया सर? और ये भी वही दिख रहा है। अच्छा, ये क्या है सर? ये सलाद पत्ता। और ये शेपू कैसे दिया? और ये सलाद पत्ता 10 का 2। अच्छा, 10 का 2। यहाँ पे ये क्या है सर? कोथिंबीर, धनिया, ये कैसा? 20 रुपये गड्डी या केजी वाइज है? गड्डी। और आपके पास पीछे मेथी भी दिख रहा है सर, मेथी का क्या रेट है? मेथी का 20 रुपये, गौती चाय 20 रुपये। अच्छा, तो आपके पास गौती चाय भी, आपको दिखा था गौती चाय, चाय में यूज़ होता है गौती चाय, तो आप देख सकते हैं। गौती चाय का गड्डी कैसे दिया सर? 20 रुपये। 20 रुपये केजी, मतलब 20 रुपये का गड्डी है। अच्छा, सॉरी, आधा किलो का रहता है। अच्छा, तो वो जो कांदा पत्ता दिख रहा है सर, कांदे पत्ते का क्या है? उसका 20 रुपये पूरा गड्डी का। अच्छा, तो आप केजी वाइज बेचते हैं गड्डी वाइज ही बेचते हैं? गड्डी पे, गड्डी गड्डी पे। तो आप ये सब होलसेल में बेचते हैं? एक सिंगल सिंगल पीस किसको चाहे तो वो ले सकते हैं? होलसेल में भी बेचते हैं। अच्छा, होलसेल और सिंगल में अगर किसी को चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो गाइज, ये था आज का मार्केट यार्ड का वीडियो, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ पे दो दो मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं जितना भी कवर कर सकता लेटेस्ट वेजिटेबल्स के बारे में वो मैंने कवर किया। थोड़े अभी मार्केट में टमाटर के रेट हाई हो गए और भी हाई हो सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि मार्केट में इतने टमाटर आ नहीं रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें जो सस्ती होगी, कुछ चीज़ें महंगी होगी, वो तो ऊपर नीचे होती रहेंगी। तो अगर वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे पोस्ट के बारे में आपको पता चलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।